हे फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सारा में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज है होली फ्रेंड्स, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। ये हमारा चल रहा है छत पे होली सेलिब्रेशन। हम लोगों ने मिलके होली मनाया था, टेरेस पे ही मनाया था। मग में डालिए, मग में, मग में। फोन है पहले सही टीम तो बना ले, फिर फर्स्ट प्राइज के बारे में सोच। रेस वो सीढ़ी के ऊपर रख दीजिए, सीढ़ी के ऊपर। तक भले लगाने खेलता ना। बारिश नेक देखो। खेल
जलपरी बाबू का थोड़ा तबीयत सही नहीं था तो वो अकेले अकेले से घूम रहा था। देखिए कितना उदास है, उसको दरअसल फीवर था ना। हमारा होली सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊंगी होली स्पेशल ग्रेवी वाला मटन करी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। पहले मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, कढ़ाई पे डाला है मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को थोड़ा गरम होने देते हैं। ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है, वो मटन करी बहुत अच्छा बनाते हैं तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कुछ खड़ा मसाला ले लिया है, दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। काट मसाला में हमने लिया है दालचीनी के दो टुकड़े, एक चक्रफूल लिया है, कुछ काली मिर्च के दाने, दो लौंग, दो हरी इलायची और तीन तेज पत्ता ले लिया है। अभी इसको डालेंगे और दो सूखी लाल मिर्च इसको चटकने देंगे। उसके बाद हम इस पे प्याज डालेंगे, प्याज मैंने चार ले लिया है और मैंने लिया है थोड़ा सा छबीला, उसको ऐड कर देंगे इस पे। चटक दिया है, अभी इस पे डालेंगे ओनियन, बारीक से कट दिया है मैंने, चार ओनियन लिया है। ओनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है फ्रेंड्स, अभी तब तक हम लोग ले लेते हैं मसाले में। मसाले में मैंने लिया है कुछ लहसुन के कलिए लिए हैं, फिर थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी जीरा लिया है, जीरा मैंने एक चम्मच लिया है। अभी इस पे डालूँगी एक चम्मच धनिया और इस पे जाएगा चार से पांच हरी मिर्च, आप मिर्ची कम खाते हैं तो कम डालिए। अभी मेरा ओनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं इस पे ऐड करूँगी जो हमने मसाले का पेस्ट बनाया था ना, वो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से भूनेंगे फ्रेंड्स। धीमी आंच पे भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, इसको धीरे धीरे करके इसको अच्छे से भूनेंगे। मटन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, अब मैं मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है तो मैं इस पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद मैं इस पे डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर फ्रेंड्स तीखा नहीं लगता लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है तो मैं यही वाला ज़्यादा यूज करती हूँ। अभी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पर मिक्स करने के बाद मैं मटन को ऐड कर दूँगी। मटन को ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। इसको फ्रेंड्स ढक के जैसे 5 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी, 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट भूनने के बाद फ्रेंड्स इसको ढक ढक के भूनेंगे। उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, उस पर मैं 3 सीटी लगाऊंगी क्योंकि 3 सीटी से ऊपर हो जाता है तो ओवर कुक हो जाता है। तो अभी ये देखिए मेरा अच्छे से भुन गया है, अभी मैं कुकर पे सीटी लगा लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सीटी लगाने के बाद मटन को फिर से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था, बीच वाला वीडियो मैंने मिस कर दिया था फ्रेंड्स, दिखा नहीं पाई थी। तो ये देखिए मेरा मटन अच्छे से पक गया है। अभी इसके ऊपर मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए था, हल्का सा चाहिए था तो मैंने पानी ऐड नहीं किया है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपने अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा डिलीशियस मटन करी रेडी है। और फ्रेंड्स जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है
तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग फ्रेंड्स फेसबुक पे देख रहे हैं तो वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स होली के दिन रात को हम लोगों ने छत पे मनाया था पिकनिक, तो उसकी पिक आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ। कुछ कुछ ही मैंने पिक ले लिया था और वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं किया था। देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। ये हमारा स्टेटस में बना था चिकन पकौड़ा, और खाने का मैं दिखाती हूँ आपको। लग रहा है ना यम्मी? आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।